और सियासत के बाद अब बात आसमान से बरस रही आफत की। इसका असर हरिद्वार ऋषिकेश के रास्ते में भी दिखा। चिला इलाके में बहने वाली बीन नदी में ऐसा उफान आया कि मझधार में फंसकर 16 बाइक सवार एक के बाद एक पलटते चले गए। हालांकि गनीमत ये रही कि कोई हताहत नहीं हुआ। भक्ति के नाम पर जान भी जोखिम में डालनी पड़े तो भी गुरेज नहीं। हरिद्वार से ऋषिकेश जा रहे शिव भक्त कांवड़िए शायद यही संदेश दे रहे हैं। नीलकंठ महादेव के दर्शन के लिए जब कांवड़िए और आम लोग हरिद्वार से निकले तो रास्ते में सामना बीन नदी की हाहाकारी लहरों से हुआ। फिर एक नहीं, तीन नहीं, पांच नहीं, बल्कि कुल 16 बाइक सवार एक एक कर बीन नदी के तेज बहाव में पलटते चले गए। नदी में पानी की तेज धार और पत्थरों से टकराकर कई बाइक सवार घायल भी हो गए। सवाल प्रशासन के उस फैसले पर भी है जिसने सब कुछ जानते हुए हरिद्वार से ऋषिकेश जाने के लिए चीला होते हुए रास्ते को मंजूरी दी। कमाल देखिए कि एक ओर जहां बीन नदी में लोग अपने दुपहिया वाहन से गिर रहे थे तो वहीं ड्यूटी पर तैनात पुलिस वाले मोबाइल में मशगूल थे। अब रुख करते हैं मध्य प्रदेश के हरदा का। भारी बारिश से जिले के नदी नाले उफान पर हैं। मंदिर भी पानी में डूब चुके हैं, घरों में पानी घुस गया है। निचली बस्तियों में करीब 500 परिवारों को सुरक्षित स्थानों पर शिफ्ट कराया गया है। मंगलवार को भी लगातार बारिश से इंदौर बैतूल नेशनल हाईवे 59A लगभग 4 घंटे बंद रहा। मौसम विभाग ने अगले 48 घंटे तक उत्तराखंड और हिमाचल में भी भारी बारिश की आशंका जाहिर की है। कुदरत न जाने किस गुनाह की सजा इंसानों को दे रही है। हरदा से लोमेश कुमार गौर और ऋषिकेश से विनीता के साथ आज तक ब्यूरो।